लेकिन बताना आपको ये है कि एक आरजी ढांचा भी जो है कितना मजबूत होता है, और एक मकान बनाने में, एक रिहाइश बनाने में कितना जो है पैसा जो इन्वेस्ट होता है। लेकिन रहने के लिए, छत के लिए, जो एक बुनियादी ज़रूरत है हर एक इंसान की, आप देखिए कि हमारे गुजर बकरवाल लोग किस तरह से वो ये सारा जो है अपना घर बनाते हैं, और ये सारा काम जो है ये खुद ही करते हैं, और इस काम में ये बड़े माहिर होते हैं। ज़बरदस्त तरीके से फिट किया गया है, और मतलब जिस तरह से हम एक मकान को नापते हैं उसे हर साइड से जो है, उस तरह की एक कह सकते हैं लोकल लेवल पर एक इंजीनियरिंग वाला काम जो है इन जैसे ढांचों में जो है बखूबी जो है वो अपनी उस एक्सपीरियंस का जो क्योंकि ये घूमते रहते हैं तो कहीं पर भी जो है पड़ाव करना पड़ता है, कहीं पर भी जो है टेंट लगाना पड़ता है, खेमा लगाना पड़ता है, तो इस काम में जो है ये जब तवील सफ़र में होते हैं तो इस काम में बड़े माहिर होते हैं। और ज़िमनन मेरी जो है इस वाले घर पर पड़ गई और काम बहुत ज़बरदस्त किया गया। इस ढांचे के बारे में मुझे बताइए कि ये कौन लोग लगाते हैं, आप ही लगाते हो, इसके लिए कौन माहिर होता है? मैं गुजर लोग लगाते हैं, हम खान लोग जो खाना बदोश होते हैं वो लगाते हैं। आप तो बार बार डालते हैं, मतलब इसको इतनी सटीक तरीके से बनाना, मतलब ये तो एक इंजीनियरिंग का एक छोटा सा नमूना हम इसको कह सकते हैं। मतलब एक मौसम में जब मौसम की सूरत हाल खराब हो तब भी जो है अच्छे से टिक पाता है। हाँ, असल पर टिक जाता है, मगर वाव होती है उठ जाता है, अभी जब वाव ज्यादा होता है बर्फ में नहीं, बर्फ गिर जाता है, बर्फ में कोई प्रॉब्लम ना, बर्फ में कोई, बारिश में भी कोई, बारिश में कोई प्रॉब्लम, जब हवा आती है ज्यादा वो उठा लेती है इसको, फिर दोबारा इसको आप फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा कितना टाइम लगता है इस जैसे जैसे ढांचे को बनाने में? दो तीन दिन लग जाते हैं, एक दिन भी लग सकता है। मिसाल के तौर पर आप किसी को नया बनाना हो ऐसा तो कितना खर्चा आता है इसमें? आ जाएगा रुपया 10-15 हज़ार का, 10-15 हज़ार, और हर तरह की जो है हर चला गया। हाँ, सूरज है, हर तरह की, कोई वैसी दिक्कत ना, दिक्कत कोई नहीं होती है इसमें। अच्छा, जो वॉशरूम वगैरह के जो इस्तेमाल होते हैं वो भी इसी में बनाते हैं ज्यादा, इसी में बनाते हैं, इसमें है वो? नहीं, इसमें नहीं, वो यहाँ है ना, ये देखो यहाँ लगा, ये देखो। अच्छा, इसमें ट्रंच में शॉप कर रहे हैं? हाँ, ट्रंच भी है। नहीं, सरकारी को तो अभी कोई नहीं मिला इधर किसी को, सरकारी अपनी लागत से, अपनी लागत से सबको बनाया, सभी को अपनी लागत से, अपनी लागत से, मतलब इस स्कीम में ना क्या उसने? नहीं, वो नहीं दिया अभी किसी को, नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। स्वच्छ भारत का वो बोलती है गवर्नमेंट, मगर दिया किसी को नहीं, दिया अभी किसी को नहीं। और ये कंक्रीट वॉशरूम में जो है इसके पास में आप देख सकते हैं, किसी को नहीं दिया। और ये जो आपकी सोलर, ये सोलर जो वहाँ पर लगी है सरकार ने दी है? नहीं नहीं, ये भी आपने लाई है, और कुछ नहीं दी गवर्नमेंट की सूरत कोई नहीं है यार। पावर कितने, कितना टाइम पावर दिया गवर्नमेंट ने? एक साल हो गया, एक साल हो गया पावर गवर्नमेंट ने दी। मतलब बिजली एक मेन चीज रहता है, इसको एक साल हो गया, एक साल हो गया इसको, लोगों को नहीं कोई मुलाजमत, नहीं कोई रोजगार, फिर वो ये अपना माल मवेशी पालना है तो अपना रोजगार चलाना है। देख, आप यहाँ पहले बहुत सारे जो माल मवेशी वाले जो ऊपर वाले बालाई हिस्से में रहते थे, हाँ, तो नीचे आने की वजह क्या है? क्या उधर रोड नहीं है? उधर रोड नहीं, रोड नहीं है, पानी नहीं है, हमें रोड की किल्लत है। अगर रोड होती, पानी होता, हम अपनी जमीन छोड़कर इधर थोड़े बैठते, क्या करेंगे? तो फिलहाल तो एक बात हो गई कि एक साल से जो बिजली तो चल रही है, बिजली, हाँ, बिजली चलती है, बिजली बिजली के लिए जो है यहाँ यहाँ तक तरसीली लाइनें जो है पहुँचाई गई, आपके डांचू तक भी जो है बिजली, हाँ, बिजली पहुँचाई, बिजली, और इंशाल्लाह जो है रोड का भी होगा, उससे आगे वाले फेज में रोड भी होगा, रोड होना चाहिए, हमें पानी होना चाहिए। यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है तो कैसे, मतलब नीचे तक कैसे ले जाते हैं? कैसे ले जाते हैं? ये गड्डी शड्डी में उठा कर या घोड़े पर? यहाँ घोड़ा कहाँ है, घोड़ेपुर में एक दिन ही चढ़ा ना केला, तो ये उसी से लग गया, मतलब बीमारी के वास्ते जो आपने घोड़े पर, हाँ, 80 साल तक, 80 साल, हाँ, 80 साल पहले जो है इस खानगुड़ गाँव का क्या, मतलब आज के टाइम उसके टाइम कुछ बताइए हमें, मतलब आपको क्या फर्क लगा? तब का वक्त अच्छा था, आज का टाइम अच्छा है? तब का अच्छा था। तब क्यों इनको लग रहा है कि पहले वाला टाइम अच्छा था? पहले महंगाई नहीं थी, जमाना सस्ता था, लोग अच्छे थे,
सब कुछ था, ईमानदार थे। आज महंग भाई है, पैसा आम है, इंसान की कदर कुछ नहीं है। अमीर जाते हैं उनको सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीबों की सुनवाई आगे भी नहीं होती है, उधर भी कोई नहीं सुनता है। ये भी आपको दिखाना चाहूंगा कि आज काफी जो है विकसित हो गया है बहुत कुछ। और आज आप देखिए कि जो पशुपालन का जो कोई ढांचा होता है, बेड पाले जाते हैं, उसका आप ढांचा आज देखिए किस तरह से बनता है। और मतलब हर तरह जो है मजबूती इसमें दी गई है, और इस तरह से जो है कोई भी एक अच्छा रोजगार किसी का बन सकता है। और जो कंसेप्ट मैंने जो है मतलब किस तरह से बनाना होता है, या आप देखिए। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से बनता है। यहाँ पर जो है बेड़ ऊपर रहते हैं और उसका उनका जो वेस्ट वगैरह है वो नीचे गिरता है, और तमाम तरह जो है रोशनी का इंतज़ाम है। और आधे नीचे कहाँ नीचे, देखिए जो है कुत्ते वगैरह जो है कहाँ रखे जाते हैं। ये जो है पशुपालन के जो उनकी जो बेड़े होते हैं उन्हें उन्हें रक्षा देने के लिए और उनकी हिफाजत करने के लिए। आप देखिए मेरिनो